आज 5 मिनट पहले दुकान खोल रहे हैं हिम्मत भाई। अरे क्या करे काका, ये तो विलजी सेठ की जिद है, वरना मेरा तो अपना मानना है कि जल्दबाजी का काम शैतान का। दुकान का सारा सामान कहाँ गया? विलजी सेठ ये खून, किसी ने इनका खून कर दिया। सेठ जी, अरे ये कौन? ये मेरी बंदूक, रुको, बंदूक को हाथ में लगाना, किसी चीज को हाथ में लगाना। ये मंगलसूत्र किसका है? ये मंगलसूत्र नया बैग, नए इश्यूज सब मिलेगा, पर नए वाले मार्क्स लेकर आओगे? हमेशा हिंदी में गंदे मार्क्स लेकर आते हो, इस बार तुम अच्छे वाले मार्क्स लाओ, मैं तुम्हें सब कुछ दिलाऊंगी। क्यों बहू, कोई खजाना मिल गया है क्या? खजाना? हाँ खजाना, पढ़ो। तब तो हम नई कार और नया घर भी ले सकते हैं। हम तुम्हारे लिए सब कुछ लेंगे, सब कुछ, लेकिन सबसे पहले इस आंसर को दो दो बार लिखो, ठीक है? अच्छे से पढ़ाई करोगे तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा। गुड बॉय। इसमें चींटियां कैसे लगी हैं? तुमने इस बार फिर से टिफिन खुला छोड़ दिया था। अगली बार ध्यान रखना। सुनिए, आपकी ग्रे शर्ट ना वो सूख गई है, चाहे तो उसी को पहन लीजिएगा आज। कुमुद जी, क्या पका रही हैं आप? छोड़ो ना, पहले बहुत गर्मी है किचन में। अरे पापा, पर ये क्या है, बिना इस्त्री की शर्ट पहन ली। लाओ उतारो, मैं भी प्रेस करती हूँ। एक कुमुद, जाने दो ना, मुझे कौन सा ऑफिस जाना है। अरे तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ गया? अब वो क्या है ना, मैंने अलमारी में रख दिया क्योंकि उसका हुक टूट गया है। अच्छा आज तुम काम पे नहीं गई? नहीं, मैंने सोचा कि आज की छुट्टी ले लूं, एक तो मानव के एग्जाम्स है अगले हफ्ते से, तो सोचा कि उसे बैठ के पढ़ाऊंगी आज पूरा दिन। अच्छा तो एक काम करो, वो मंगलसूत्र मुझे दे दो, मैं बनवा के ले आता हूँ। मानव, ज्वेलरी स्टोर में मैं काम करती हूँ, तुम नहीं, बनवा लूंगी ना। कुमुद जी, घर के सारे काम आप करेंगी? जब से मेरी नौकरी गई है ना, लोग मुझे निकम्मा कहते हैं, जानती हो तुम। तुम्हारा जॉब जरूर लग जाएगा, टेंशन मत लो। मैं टेंशन लेता कहाँ, मैं तो टेंशन देता हूँ तुम्हें। कुमुद, मैंने तुमसे कितने वादे किए थे, कितने वादे, लेकिन एक भी पूरा नहीं किया है मैंने। मेरे साथ रहने का वादा निभा रहे हो ना, मेरे लिए उतना ही काफी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। चलो अब जल्दी जल्दी अंदर जाके शर्ट बदलो, मैं इसे प्रेस करके देती हूँ। जाओ ना बाबा। अरे सुनो, बिल्कुल बात नहीं मानते हो। अरे बहू, देख तो कौन दरवाजा तोड़े जा रहा है। जी आई आई। घंटी खराब है क्या? नहीं अम्मा जी, बिजली गई है ना। मिसेस कुमुद शर्मा जी, आपको वेलजी भाई मेहता के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। वेलजी?
जी भाई का कत्ल? गिरफ्तार? दमन? सब क्या हुआ? अरेस्ट वारंट है इनके खिलाफ। अरेस्ट वारंट? नहीं साहब, कुमुद ऐसा नहीं कर सकती। आपको कोई गलत फहमी हुई है। इस बात का फैसला अदालत में होगा। सावंत, तलाशी लो। अरे कोई मुझे बताएगा हुआ क्या है? मैंने कुछ भी नहीं किया। पथड़ी लो। करो, पढ़ाई करते रहोगे और मम्मा जैसे ही लौटेगी ना तुम्हारा होमवर्क चेक करेगी। ठीक है, रोना नहीं बिल्कुल। क्या कर रहे हो? स्कूल नहीं है आज? आज हॉलिडे है। अच्छा, हफ्ते के बीच में हॉलिडे। केडी, तूने ही तो कहा था ये खाने से अक्कल आती है। बदतमीज केडी अंकल बोल। ओके बदतमीज केडी अंकल। सुधरेगा नहीं है। ला मेरा बॉल वापस दे। मेरे पास भी है, खेलोगे? ऐसे जाने का क्या लेगा? क्या ले सकते हो? ये दूं या चुपचाप जाएगा? अच्छा, एक शर्त पर जाऊंगा। बैठ, बोल। मेरा एक स्कूल का फ्रेंड है मानव, तुम्हें उसकी मदद करनी होगी। उसकी मम्मी को पुलिस पकड़ कर लेकर गए। अच्छा, क्यों? पता नहीं। ठीक है, ले। थैंक्स केडी। दूंगा भी एक कान के नीचे। 10 साल पहले जब पंडित जी ने कहा था कि इस लड़की की कुंडली तेरे लिए मनहूस है, तब तो तूने मेरी नहीं सुनी थी। अब रोने से क्या होगा? चुप रहो माँ, चुप रहो। कुमुद के लिए कुछ मत कहो। नमन, क्या हुआ था? सर, कुमुद मलाड की एक ज्वेलरी शॉप में काउंटर सेल्स गर्ल की नौकरी करती है। उस ज्वेलरी शॉप का मालिक है वो जौहरी वेलजी भाई मेहता। 3 दिन पहले उनकी किसी ने हत्या कर दी और पुलिस कहती है कि कुमुद ने उसकी हत्या की। सर, कुमुद ऐसा कभी नहीं कर सकती, कभी नहीं कर सकती। एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? हाँ, वरना मम्मी वापस घर लौट कर डांटेंगी।
क्या लगता है? बैठो। केडी उस दुकान के मुलाजिम है और ये भक्तेश वेलजी भाई का बेटा। वो मुकराम है सिक्योरिटी गार्ड। अरे मुकराम जी वो राइफल आपकी है ना? है जी। दरअसल बात ये है कि मुकराम जी थोड़ा ऊंचा सुनते। वो कत्ल का हथियार राइफल आपकी है ना? हाँ जी। सब रोज रात को उसको दुकान में छोड़कर जाते हैं। उस रात पता नहीं किसने उसे वहां से निकाल कर ये सब काम कर दिया। और आप हिम्मत भाई? जी। दुकान के मैनेजर। क्या 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 कहा? मैनेजर? अरे मालिक बोलो मालिक। क्या इंस्पेक्टर साहब, आपको कुछ और पूछना है तो बोलिए, मुझे मेडिकल कॉलेज पहुंचना है। क्लास है? नहीं कुछ नहीं, जा सकते हो। ठीक है चलता हूं। चोरी कितने की हुई? 1 करोड़ के गहने गायब हैं। आप कुमुद के घर में क्यों नहीं चेक करते हैं? मुझे पूरा यकीन है कि गहने उसी के घर में मिलेंगे। लेकिन अब तक हमें उनके घर से कुछ नहीं मिला केसर जी। लेकिन हम दोबारा उस घर की तलाशी लेंगे और मुझे यकीन है कि गहने वहीं मिलेंगे। पापा, मम्मी कब आएगी? आएगी बेटा, अभी आ जाएगी। कुमुद मैं क्या करता? पुलिस को मानव की गवाही चाहिए थी, वरना मैं इसे यहां कभी लेकर नहीं आता। कभी नहीं। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। युराना 17 जुलाई को वेलजी भाई ने हमेशा की तरह रात के ठीक 10 बजे अपने ज्वेलरी की दुकान बंद। बाकी सारे एम्प्लॉयज यानी कि 2 सेल्स गर्ल्स, 1 सिक्योरिटी गार्ड और 1 मैनेजर वहां से निकले। लेकिन वेलजी भाई कुछ अकाउंटिंग करने के लिए दुकान में ही रुके। आधे घंटे बाद यानी कि एग्जैक्टली 10:30 बजे कुमुद शर्मा दुकान में लौटी। सिक्योरिटी गार्ड की राइफल को उठाकर गोली चलाकर वेलजी भाई की हत्या की। और फिर उसी दुकान से 1 करोड़ के गहने भी चुराए। ऑर्डर ऑर्डर योर ऑनर। मौका है वारदात पे पुलिस को कुमुद का ये मंगल सूत्र भी मिला, जो वेलजी भाई से बस 4 कदम की दूरी पर था। हो सकता है कि अनजाने में गोली चलाते वक्त कुमुद के गले से गिर गया था। वेलजी भाई ने मरने से पहले अपने अकाउंट बुक्स में कुमुद का नाम भी लिखना चाहा, लेकिन बस का ही लिख सके। इसके अलावा भी आना कुमुद के खिलाफ और भी गवाह है मेरे पास, जो ये साबित करेंगे कि ये कत्ल कुमुद ने ही किया। कत्ल योर ऑनर, इस राइफल से किया गया था। ताज्जुब की बात है कि पुलिस को इस पर
किसी की उंगलियों के निशान नहीं मिले, कुमुद के भी नहीं। मैं अदालत से इजाजत चाहता हूं कि एक बार कुमुद हमें यह राइफल चला के दे। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। लीजिए कुमुद, घबराइए मत, खाली है। इजी, भारी है ना? मुझे दे दीजिए। नहीं मालूम योर ऑनर, एक महिला के लिए अगर ये राइफल उठाना इतना मुश्किल है तो जाहिर सी बात है कि कत्ल करना नामुमकिन होगा। केडी, मे आई हैव द राइफल प्लीज? या ऑफ कोर्स। फीलिंग बेटर? औरतों को अंडर एस्टिमेट मत करो केडी। जब मैं ये राइफल चला सकती हूँ तो कुमत क्यों नहीं? और वैसे भी कुमत, 4 फुट की दूरी से गोली चलाने के लिए ओलंपिक शूटर होना जरूरी नहीं है, राइट मिस्टर पाठक? ऑर्डर, ऑर्डर, क्वाइट प्लीज। योर ऑनर, ये है मेरे पहले गवाह, वेलजी भाई के सिक्योरिटी गार्ड मुखराम जी। जी 10 बजे हम भी अपनी बंदूक दुकान में रखकर घर के लिए निकल पड़े। फिर याद आया कि हम अपना टिफिन दुकान में भूला है, और जैसे ही लौटकर हम दुकान पर पहुंचे तो देखा कुमुद मैडम भी लौटकर वहां पर आ गई है और वेलजी भाई से कुछ बातचीत कर रही थी। मुखराम जी, उसके बाद आपने क्या किया? जी जरा जोर से बोलिए मैडम, इस कान से थोड़ा कम सुनाई देता है। मुखराम जी, उसके बाद आपने क्या किया? हमें क्या करना था जी, टिफिन उठाया और चले गए। हमें क्या पता था कि बाद में वहां क्या होने वाला है? मुखराम जी, आपके अलावा और कोई है जिसने कुमुद को ज्वेलरी स्टोर में लौटते देखा? मेरा नाम केशव श्रॉफ है, मैं और कुमुद साथ ही स्टोर में काम करते हैं और एक ही सोसाइटी में रहते हैं। हर रात तकरीबन 10:11 की बस लेकर हम मीरा रोड जाते हैं। लेकिन उस रात कुमुद ने कहा कि उसका कुछ सामान छूट गया है स्टोर में, इसलिए वो स्टोर वापस चली गई। मिस केसर, आपको कैसे पता कि कुमुद ज्वेलरी स्टोर वापस गई थी? क्योंकि मैंने उसका पीछा किया। वो दरअसल बात यह कि मुझे लगा कि शायद कुछ गड़बड़ है, इसलिए। बोलो कुमुद, तुम ज्वेलरी स्टोर वापस क्यों गई थी? वेलजी भाई से अकेले में मिलने क्यों गई थी? तुम्हारा मंगलसूत्र वहां कैसे मिला? मैं नहीं बता सकती। कुमुद जी प्लीज बताइए, वरना अदालत ये समझ लेगी कि आप चोरी करने गई थी वहां। मैं नहीं बता सकती। कुमुद, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे और वेलजी भाई के बीच कोई नाजायज संबंध था? ऑर्डर, ऑर्डर, क्वाइट प्लीज। छी, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं गई थी वेलजी भाई के पास, लेकिन अपना मंगल सूत्र गिरवी रखने। क्या करती? मेरे पति की नौकरी छूट गई थी, वहां बच्चे की स्कूल की फीस देनी थी और घर में पैसों की तंगी। मुझे कुछ और नहीं सूझा। नमन, सॉरी, अरे तुमसे झूठ कहा, लेकिन सच में मैंने वेलजी भाई का खून नहीं किया है, सच। योर ऑनर, जो औरत अपने पति से झूठ बोल सकती है उससे हम सच की उम्मीद कैसे करें? यह भी झूठ है कुमुद, क्योंकि केसर ने तो कुछ और ही देखा। बताओ केसर,
जी हाँ, जब मैं स्टोर पे पहुंची तो मैंने देखा कि कुमुद और वेलजी भाई के बीच में बहुत जोर की बहसा-बहसी हो रही है। बहुत लंबा आर्गुमेंट चल रहा था और फिर वेलजी भाई ने मुझे सुनते हुए देख लिया, इसलिए मैं वहां से घबरा के चली आई। उसका अंजाम वेलजी भाई की मौत योर ऑनर, कुमुद के हाथ। केसर जी, आपने कहा कि आप घबरा कर वहां से चली गई। प्रोसिक्यूटर, इफ यू डोंट माइंड प्लीज। तो घबरा कर आप वहां कहां चली गई, अपने घर चली गई अकेली? जी हाँ। कैसे? वैसे ही बस से, सेम बस स्टॉप से। लेकिन 10:11 वाली बस तो आपकी छूट गई होगी, तो जाहिर है कि उसके बाद वाली बस आपने ली होगी। जी, फिर मैंने दूसरी बस ली कुछ 10:45 की। 10:45 की? और मलाड से मीरा रोड तक की दूरी आधा घंटा, हाफ एन आवर? जी हाँ। और वहां से आपका घर कितनी दूर है? जी कुछ 5 पैदल का रास्ता। ऐसी, तो यानी कि कुल मिला के आप आधा घंटा उस दिन लेट घर पहुंची। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब हम घर लेट पहुंचने वाले होते हैं तो हम घर पर किसी को फोन करके इत्तला कर देते हैं कि हम लेट पहुंचने वाले। आपने ऐसा किया? हाँ हाँ, मैंने माँ को फोन करके कह दिया था कि मैं आधे घंटे लेट आऊंगे। आपने अपनी माताजी से बात की और उनसे कहा कि आप लेट आएंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी माताजी आपकी बात से सहमत होंगी। एक मिनट, आपकी माताजी से पूछ ही लेते हैं, क्या है आपकी माताजी का नंबर? नहीं, माँ को फोन मत कीजिए। दरअसल बात यह कि मैंने कोई फोन नहीं किया था क्योंकि मैं टाइम से घर पे पहुंच गई थी, वही 10:11 वाली बस लेकर। ऑर्डर ऑर्डर। इसका ये मतलब हुआ केसर जी कि आपने कुमुद जी का पीछा नहीं किया था, तो फिर क्यों आप झूठ बोलकर कुमुद जी को फंसा रहे हैं? क्योंकि कुमुद हमेशा सेठ जी से मेरी कंप्लेन करती थी, मैं काम नहीं करती हूँ, लेट आती हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि कुमुद के खिलाफ गवाही देकर मैं से अपना बदला ले लूंगी। सिर्फ गवाही देकर बदला लेंगी या कत्ल करके उस कत्ल का इल्जाम उनके सर पे मढ़ के बदला लेंगी? And point to be noted, your honor, क से कुमुद हो सकता है तो क से केसर भी हो सकता है। तलाशी लेनी है घर की। तवन, कुछ मिला सावंत? नहीं मिला सर। कितनी बार ढूंढोगे, कहां ना यहां कुछ नहीं मिलेगा। मिस्टर भवतेश मेहता, आपको तो जानकारी होगी कि आपके पिताजी उस रात को कौन सा हिसाब ढूंढ रहे थे। देखिए, लाल स्याही से मार्क किया है उन्होंने, पूरे 1.5 लाख रुपए नकद का घोटाला। दुकान के गल्ले में से किसी ने 1.5 लाख रुपए चुराए थे। कहीं आपने पैसे? मैं अपने ही पापा की दुकान से पैसा चुराऊंगा? पूछ रहा हूं आपसे, ये बात आपको जरूर इस हिम्मत भाई ने कही होगी ना? दुकान के गल्ले में से किसी ने 1.5 लाख रुपए चुराए थे। कहीं आपने पैसे? ये बात आपको जरूर इस हिम्मत भाई ने कही होगी ना? क्या मेरे पापा का 1 नंबर का चमचा था ये? क्या चुगलखोर कहीं का? ऑर्डर ऑर्डर। नहीं, वैसे ये बात मुझे हिम्मत भाई ने नहीं बताई।
टाइम स्टार वॉच के इस रसीद ने बताई है, जहां से आपने एक जेंट्स वॉच ली थी 80,000 की, यही घड़ी है। नाइस वॉच। और एक लेडीज वॉच भी ली थी 70,000 की, वो जो केसर के हाथ में। ऑर्डर ऑर्डर। कुल मिला के 1,50,000 रुपए, 1.5 लाख रुपए, जिसकी कैश रसीद आपके नाम पे। पापा मुझे पैसे पैसे के लिए तरसाते थे, इसलिए मैंने गुस्से में आकर दुकान से पैसे चुराए और केसर के लिए गिफ्ट खरीदा, क्योंकि क्योंकि मैं केसर से लव करता हूं। आप केसर को लव करते हैं और आपके पिताजी को इस रिश्ते से आपत्ति थी, तो आपने एक तीर से दो शिकार किए, उनके रुपए भी चुरा लिए और उनको रास्ते से। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये राणा कत्ल कुमुद नहीं किया है, और ये साबित करेगा मेरा आखिरी और सबसे ठोस सबूत। कुमुद के घर से मिली ज्वेलरी स्टोर की यूनिफॉर्म, ये सारी, जिस पर खून के धब्बे भी है, और अभी अभी मिली फोरेंसिक्स के रिपोर्ट्स के मुताबिक ये खून वेलजी भाई मेहता का है। ये धब्बा कहां से आया, मुझे नहीं पता। झूठ बोल रही हो तुम कुमुद। इस धब्बे के बारे में तुम जानती हो, क्योंकि कत्ल तुम ही ने किया और वो गहने भी तुम ही ने चुराए। वो गहने योर ऑनर जो अब तक नहीं मिले, उनमें से एक गहना मिल गया योर ऑनर। वाइट प्लीज। मुझे नेकलेस मिसेस कुमुद शर्मा के फ्लैट से मिला, उनके बेटे के स्कूल बैग से। सुराना में कुमुद के बेटे मानव शर्मा को बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। नहीं। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। एक तो इतने छोटे बच्चे को अदालत में बुलाना, ऊपर से ऐसे केस में गवाही दिलवाना, इट्स टोटली एंड कंप्लीटली इमोरल। मानव की गवाही जरूरी है, सच और झूठ पता करने के लिए जरूरी है योर ऑनर। प्लीज अलाउ। आई विल अलाउ हर। लेकिन प्रणाली प्लीज, बच्चे की उम्र का लिहाज करके सवाल पूछे जाए। यस योर ऑनर। मानो बेटा प्लीज यहां आएंगे। मानव बेटा, मम्मी ने आपको ये नेकलेस दिया था आपके बैग में रखने को, है ना? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। प्रोसिक्यूशन सवाल में जवाब मिलाकर बच्चे को गुमराह कर रहा है। प्लीज प्लीज उससे कुछ मत पूछिए ना, वो पहले ही बहुत डरा हुआ है। सस्टेन्ड। प्रणाली प्लीज। आई एम सॉरी योर ऑनर। मानव बेटा ये बताओ कि ये नेकलेस तुम्हारे बैग में कैसे आया? नहीं, मैं तो वो बैग फेंकने वाला था, पर उस बैग में चींटियां भर गई, इसलिए मम्मी ने कहा कि वो मुझे एक नया बैग खरीद के देंगी। मत 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 पूछिए ना कुछ उससे, वो मैं सब बताती हूँ ना आपको, मैं सब बताती हूँ। नया बैग? सिर्फ नया बैग ही नहीं, नई कार, नया घर, और फिर मम्मी ने दादी से कहा कि उन्हें खजाना मिला। Point to be noted, Your Honor. खजाना यानी कि 1 करोड़ का। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। प्रोसिक्यूशन एक मासूम बच्चे की बातों को अलग रंग दे रहा। मानव, क्या मम्मी ने आपको ऐसे और भी नेकलेसेस दिखाए थे? झूठ मत बोलो मानव,
वरना तुम्हारी मम्मी को जेल हो जाएगी। बच्चा है अभी, छोटा है। I object, Your Honor, बच्चे पर दबाव डाला जा रहा है। प्रणाली, प्लीज। Your Honor, इस बच्चे को सच पता है, इसे पता है कि ये चोरी इसकी माँ ने की है। हाँ, 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 मैंने चोरी की है। मैंने वैजी भाई को मारा। जाने दीजिए, छोटा है वो, मुझे सजा दीजिए। नहीं, एक हफ्ते के लिए मुझे घर जाने दीजिए, क्योंकि उसका एग्जाम है, उसे पढ़ाना है और बहुत सारे काम है, घर पे बहुत कुछ करना है। एक हफ्ते के लिए मुझे घर जाने दीजिए, मुझे सजा दे दीजिए, मुझे सजा दे दीजिए, मेरे बच्चे को जाने दीजिए अभी, प्लीज उसे जाने दीजिए, प्लीज। अदालत आज के लिए मुलतवी की जाती है। आपने ये जुर्म इसलिए कबूल किया ताकि अदालत में आपके बेटे को परेशान ना करें? दिस इज एब्सोल्युटली रिडिकुलस। बहुत बड़ी गलती की आपने, आपका केस बिल्कुल कमजोर हो गया। तो और क्या करती मैं? कुमुद, अब रोना बंद करो और जो कुछ भी सच है बता दो बस। तुम कह रहे हो, तुम्हें भी लगता है कि मैंने चोरी की है? कुमुद जी, मैंने वेलजी भाई को मारा क्या? देखिए, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क लाइक दिस। अगर आप नमन, अगर आप अपनी पत्नी पे भरोसा नहीं रख सकते तो प्रोसिक्यूशन इस बात का पूरा पूरा फायदा उठाएगा। एक बात बताइए, इनकी गिरफ्तारी के बाद कोई आपके घर आया था? हाँ हिम्मत भाई, लेकिन सर वो तो सांत्वना देने आए थे, बहुत ही अच्छे इंसान है वो। उनके अलावा और कोई नहीं आया था? ऐसे तो भवतेश केसर और मुखराम भी आए थे, लेकिन कत्ल से पहले भवतेश केसर के साथ आया था कुमुद का मंगलसूत्र देखने, क्योंकि केसर को कुमुद जैसा मंगलसूत्र बनवाना था और मुखराम अपनी पोती के पैदा होने की खबर सुनाने, बस। तो फिर ये तीन तो नहीं हो सकते, क्योंकि जो सबूत आपके घर से मिले, इनकी यूनिफॉर्म की साड़ी पे खून के धब्बे, आपके बेटे के बैग में वो नेकलेस, ये कत्ल के पहले वहां तो आ नहीं सकते। आई थिंक इट्स हिम्मत भाई। डॉक्टर किंग्रेस क्लिनिक, आपका एक पेशेंट है मुखराम सिंह, उसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए थी। जी, सिना पैथोलॉजिकल लैब। जी, मैं केडी पाठक बोल रहा हूं। आप भवतेश मेहता को जानते हैं? मेडिकल स्टूडेंट है जी। कुमुद शर्मा ने अदालत में अपना जुर्म कबूल कर लिया है, इसीलिए हमें किसी और गवाही की जरूरत नहीं।
योर ऑनर, मिसेस कुमुद शर्मा ने सिर्फ अपने बेटे को सवालों के दबाव से बचाने के लिए यह जुर्म कबूल किया है। यह एक मां की मजबूरी है और कुछ नहीं। कत्ल किसी और ने किया है और यह साबित करने के लिए मैं अपने सस्पेक्ट्स को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत? थैंक यू योर ऑनर। मुकराम जी, आप कत्ल के दो दिन पहले कुमुद जी के घर गए थे। हैं जी? कत्ल के दो दिन पहले आप कुमुद जी के घर गए थे ना? हाँ। क्यों गए थे? जी वो गांव में मेरे बेटे की है, बेटी हुई है मेरी पोती, इसी खुशी में कुमुद जी को मिठाई देने गया था। यकीन ना हो तो आप मेरे गांव फोन करके पूछ सकते हैं। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। हम पता लगा चुके हैं कि आपकी पोती हुई है, मुबारक हो। क्या आप कुमुद जी के घर अकेले गए थे? जी नहीं, हिम्मत भाई के साथ गया था, पर वो वहां दो मिनट ही रुके फिर वापस चले गए। कमाल है, नमन जी ने तो मुझे इस बारे में कुछ बताया ही नहीं। खैर ये बताइए कि 17 जुलाई को कत्ल हुआ, 18 जुलाई को आप अपने कान के डॉक्टर डॉक्टर केंकरे के पास गए थे तकलीफ लेकर ताइने कान की। वो साहब, इस कान में ना सुनने में कुछ दिक्कत हो रही थी। आपको दाहिने कान से कम सुनाई दे रहा था और डॉक्टर केंकरे ने आपको सलाह दी थी कि आप तुरंत ऑपरेशन करवा लें, क्योंकि वैसे भी आपके दोनों कान के पर्दे कमजोर है और उस दिन के बाद आपके दाहिने कान का पर्दा एक विस्फोटजनक आवाज के कारण फट गया। सब उस रात को जिस बस से मैं घर वापस जा रहा था ना, उसका अचानक टायर फट गया, बस सब उसी आवाज से इस कान का यह हाल हो गया। टायर फटने की आवाज मुखराम जी, या राइफल चलने की आवाज? आप कौन सा हाथ का इस्तेमाल करते हैं हस्ताक्षर करते वक्त, खाते वक्त? सीधा। हाँ, यानी कि दाहिने हाथ का। इसका मतलब अगर आप राइफल चलाएं तो दाहिने हाथ से चलाएंगे और राइफल की विस्फोट आपके दाहिने कान को चोट पहुंचाएगी, सही है? लेकिन मैंने राइफल नहीं चलाई साहब, मैंने राइफल नहीं चलाई। राइफल कुमुद ने ही चलाई है। जुराना इकबाल के जुर्म के बाद भी हम कुमुद को सजा क्यों नहीं सुनाते? डिफेंस को अपनी आखिरी दलील पेश करने का मौका हमें देना चाहिए प्रणाली। केडी, एनी मोर क्वेश्चंस? नो योर ऑनर। मुकराम जी बैठिए। मुकराम जी, जी बैठिए। योर ऑनर, मैं मिस्टर भवतेश मेहता को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। योर ऑनर, मैं मिस्टर भवतेश मेहता को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। भवतेश जी, कत्ल से दो दिन पहले आप और केसर कुमुद जी के घर गए थे, राइट? जी जी हाँ, केसर और मैं छुपकर शादी करने वाले थे। केसर को कुमुद के मंगलसूत्र का डिजाइन पसंद था, इसलिए वो मुझे घर ले गई ताकि मैं वैसा ही मंगलसूत्र बना सकूं। दुकान में पापा के होने के कारण वो वहां नहीं दिखा सकती थी। वैसे आप मेडिकल स्टूडेंट है? जी हाँ। ब्लड सैंपल लेना तो आपको आता हो? जी। सुना है कि वेलजी भाई की मौत के दो दिन पहले आपने उनका ब्लड सैंपल लिया था जांच करवाने? जी, वो उनके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करने के लिए। राइट राइट राइट। तो कौन से लैब में जांच करवाई थी? लैब में जी, वो सैंपल जिस बैग में रखा था वो बैग ही चोरी हो गया। बैग चोरी हो गया? तो पुलिस में इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई होगी आपने? जी नहीं। झूठ बोल रहे हैं आप भवतेश। सच तो ये है कि आप वो ब्लड सैंपल लेकर किसी लैब में नहीं, कुमुद जी के घर गए थे। केसर ने कुमुद जी को बातों में व्यस्त किया और आपने बड़ी सफाई से वो ब्लड इनकी यूनिफॉर्म की साड़ी पर लगा दिया, और मानव के बैग में वो नेकलेस भी आप ही ने रखा था या नहीं? नहीं जज साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। केजी, यू मीन टू से साड़ी पर जो खून लगा है वो मर्डर से पहले का है? एब्सोल्युटली। और मैं चाहता हूं कि डॉक्टर रस्तोगी आकर इस बात पर रोशनी डाले। डॉक्टर रस्तोगी, फोरेंसिक्स की रिपोर्ट से हमें ये पता नहीं लगता कि मिसेस कुमुद शर्मा की यूनिफॉर्म की साड़ी पे जो खून का धब्बा है वो कितना पुराना है, क्यों ऐसा? खून कब का है
इसकी हमने जांच नहीं की। एक्चुअली पुलिस से हमें सिर्फ ब्लड सैंपल मैच करने को कहा था, और जब वो मैच हुआ तो हमें लगा कि खूनी मिल गया। डॉक्टर रस्तोगी, मैं चाहता हूं कि आप इस खून के धब्बे को गौर से देखें। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, कितना पुराना होगा ये, कत्ल के पहले का होगा या कत्ल के बाद का? जिस तरह से धब्बा फेड हुआ है, हो सकता है कि ये पुराना दाग हो, कत्ल से दो या तीन दिन पहले का दाग। ऑर्डर ऑर्डर। माना कि ये खून का दाग कत्ल से पहले का है, लेकिन गहने तो कत्ल के बाद चोरी हुए थे, तो ये नेकलेस कुमुद के घर कैसे पहुंचा? कुमुद द्वारा जज साहब, वही दोषी है। वो नेकलेस कुमुद के बेटे के बैग से मिलना, यही सबसे बड़ा सबूत है योर ऑनर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, कुमुद के खिलाफ आप अपना फैसला सुना दें। योर ऑनर, प्रोसिक्यूटर साहिबा को कुछ ज्यादा ही जल्दी है, लेकिन मेरे कुछ गवाह अब भी बाकी हैं। मैं इंस्पेक्टर दवे को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। जांच के दौरान मैंने मानव के बैग पर चींटियां देखी, इसलिए मैंने वो बैग चेक किया, उसी बैग से मुझे नेकलेस मिला। तो क्या नेकलेस पर भी चींटियां थी? हाँ, नेकलेस काफी चिपचिपा था। चिपचिपा था। थैंक यू इंस्पेक्टर दवे। योर ऑनर, सवाल अब ये है कि नेकलेस चिपचिपा क्यों था और उस पर चींटियां क्यों थी? योर ऑनर, नेकलेस की फोरेंसिक जांच की रिपोर्ट ये कहती है कि नेकलेस पर जगह जगह मावे का चूरा चिपका हुआ मिला। मावा जिससे मिठाई बनती है, और मिठाई जिससे चींटियां पैदा होती है, और मिठाई उस दिन मिसेस कुमुद शर्मा के घर पे लेकर गए थे मुखराम। मुखराम जी आइए कटघरे में। हाँ तो मुखराम जी, किस किस्म की मिठाई लेकर आप गए थे कुमुद जी के यहां? जी याद नहीं आ रहा होगा, मैं याद दिला देता हूं। पेड़े थे, मावे से बने हुए पेड़े, सही है कुमुद जी? क्या उस दिन इनके पास और भी मिठाई के डब्बे थे? एक डब्बा और था, बता रहे थे कि और भी किसी को देना है। और भी कहीं देना है? वाह मुखराम जी, आपने वो नेकलेस दुकान से चुराया, उसे पेड़े के डब्बे में रखा, और मौका देखते ही वो नेकलेस आपने मानव के बैग में रख दिया। उस हार पे आपकी लाई हुई मिठाई का लगा होना यह साबित करता है कि आप ही ने वो हार दुकान से चुराया, आप ही ने चोरी के साथ साथ वेलजी भाई को मारने का प्लान बनाया और उसके इल्जाम में कुमुद जी को फंसाया। बोलिए क्या ये बात सही है या नहीं? एक और बार, मलाट बस आगार से हमें ये पता चला है कि जिस बस की आप बात कर रहे थे 202 लिमिटेड, उसका टायर कभी फटा ही नहीं। आपकी सुनने की तकलीफ बस के टायर के फटने की आवाज से नहीं, राइफल के चलने की आवाज से हुई है मुखराम जी। साहब, कत्ल से तीन दिन पहले मैंने दुकान से एक हार चुराया, और उसकी जगह नकली हार वहां रख दिया ताकि किसी को भी चोरी के बारे में पता न चल सके। दूसरे दिन भवतेश का बैग चुराया और उसमें से वेलजी भाई के खून के सैंपल की बॉटल निकालकर मिठाई के डब्बे में रखकर कुमुद मैडम के घर पहुंच गया। वहां एकांत में मौका पाकर मैंने वो हार निकाल कर और टॉयलेट जाने के बहाने मैंने वहां टंगी कुमुद मैडम की ड्रेस की साड़ी के ऊपर खून के दाग लगा दिए।
कुमुद जी के वहां से जाने के बाद आप चुपके से दुकान में घुसे। आप चुपचाप दुकान में घुसे, अपनी राइफल से बेलजी भाई का कत्ल किया। उनके हाथ पकड़कर उनके अकाउंट्स बुक में क का अक्षर लिखा, उनकी ज्वेलरी लूटी और फिर वहां से चले गए। अदालत आपसे जानना चाहती है मुखराम जी के इतनी साल की वफादारी के बाद आखिर ऐसा किया क्यों आपने? मुझे क्या दिया बेची भाई ने? इतने सालों की वफादारी में 16-16 घंटे नौकरों की तरह करके काम करवाया। मुखराम ये कर दो, मुखराम वो कर दो, गांव जाने के लिए 10 दिन की छुट्टी मांगी थी, सबके सामने चलील कर दिया, पूरे स्टाफ के सामने जैसा कहा कि गांव जाना है तो नौकरी छोड़ दो। मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया, नौकरी तो छोड़ूंगा लेकिन अपना भविष्य संवारने के बाद। दिमाग खराब हो गया था साहब हमारा, दिमाग खराब हो गया था। मैंने उसी वक्त प्लान बनाया गहने चोरी करने का, ताकि अपनी बाकी की जिंदगी आराम से गुजार सकूं, जज साहब आराम से गुजार सकूं। यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि वेलजी भाई का कत्ल उन्हीं के पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड मुखराम ने किया है और उसके साथ ही उनकी दुकान से 1 करोड़ के गहने भी चुराए हैं। इस इल्जाम में यह अदालत मुखराम को गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और मिसेस कुमुद शर्मा को बाइज्जत बरी कर दी। The case is closed. से आ गया, अब क्या चाहिए? थैंक्स केडी, तुमने मानव की मम्मी को बचा लिया और साथ में मानव के डैडी को नौकरी भी दिला दी, इसीलिए उन्होंने तुम्हारे लिए मिठाई भेजी है। मिठाई है? तुम्हें नहीं चाहिए, तुम्हें खा लूं? ओके। क्या केडी, तुम्हें नहीं पता शेयरिंग इज केयरिंग? क्या केडी, बच्चे को मिठाई भी नहीं खिला सकता। मिठाई मैं खाऊंगा, तो ये कद्दू के बीज खा, कद्दू के बीज खाने से अक्कल आती है। Am I right or am I right? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.